आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स का वीडियो है 12 मई 2023 का। यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन को डिस्कस किए गए हैं वह सभी क्वेश्चन काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन को डिस्कस किए गए हैं वह सभी क्वेश्चन परीक्षा के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी FSDC की 27वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो सही उत्तर है नई दिल्ली में। FSDC यानी वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 27वीं बैठक का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। अगला है किस मंत्रालय ने हरित सागर पहल शुरू की है? तो सही उत्तर है बंदरगाह शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय जो है वह हाल ही में हरित सागर पहल को शुरू किया है और वर्तमान में जो भारतीय सरकार में मंत्री हैं बंदरगाह शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के उनका नाम है श्री सर्वानंद सोनोवाल। तो इसका सही उत्तर है हरित सागर जो पहल है वह बंदरगाह शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन किस राज्य ने बच्चों के लिए स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड पेश किया है? तो सही उत्तर इसका उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वह बच्चों के लिए स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड को पेश किया है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला है किस मंत्रालय ने टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना शुरू की है? तो सही उत्तर है युवा मामले और खेल मंत्रालय जो है वह टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना का शुरुआत किया है। इसका शॉर्ट फॉर्म है टॉप्स। अगला है हाल ही में किस देश को अरब लीग में फिर से शामिल किया गया है? तो सही उत्तर है सीरिया जो देश है इसको पहले अरब लीग से अलग कर दिया गया था बाद में इसे फिर से अरब लीग में शामिल किया गया है। तो सही उत्तर इसका है सीरिया। अगला है किस कंपनी ने AI आधारित चैटबॉट जिसका नाम है बार्ड इसको लॉन्च किया है? तो सही उत्तर है गूगल जो है कंपनी वह अपना चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम है बार्ड और इसे लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा गूगल। अगला है किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर है योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। 2022 में मिला था हरशाली मल्होत्रा को और 2009 में मिला था नीतीश कुमार को भी यह पुरस्कार मिल चुका है पहले। तो सही उत्तर इसका है इस साल 2023 में योगी आदित्यनाथ को यानी यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं इनको भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आठवां क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी NBFC PFC की CMD बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो सही उत्तर इसका परमिंदर चोपड़ा जो है वह भारत की सबसे बड़ी NBFC और PFC की CMD बनने वाली है पहली महिला बन गई है। तो सही उत्तर है परमिंदर चोपड़ा। हम लोग फुल फॉर्म देख लेते हैं NBFC और PFC का। तो NBFC का जो फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और PFC का फुल फॉर्म है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, यह याद रखिएगा दोनों। अगला है L&T के नए CMD कौन बनेंगे? तो सही उत्तर है SNS यानी SN सुब्रमण्यम को L&T का नया CMD बनाया गया है और यह 1 अक्टूबर 2023 से अपना पदभार संभालेंगे। इसके पहले जो है AM नाइक जो है वह खुद से रिटायरमेंट की घोषणा किए हैं और यह 30 सितंबर 2023 को यह अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे। इसके बाद SN सुब्रमण्यम जो होंगे वह L&T के नए CMD नियुक्त किए जाएंगे। अगला है कोलकाता बंदरगाह के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है इसका रथेंद्र रमन। रथेंद्र रमन को कोलकाता बंदरगाह के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो सही उत्तर इसका है रथेंद्र रमन। अगला है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 11 मई को हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में यह मनाया जाता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 11 मई। और इसे मनाने के पीछे है कि 11 मई 1998 को भारत जो है वह राजस्थान के पोखरण में 5 परमाणु परीक्षणों की एक श्रृंखला आयोजित की थी जिसका कोड नेम रखा गया था पोखरण 2। इसी की याद में 11 मई को हर साल
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 1998 में पोखरण में राजस्थान में स्थित है, वहां भारत ने सफल परमाणु परीक्षण किया था। इसी की याद में यह मनाया जाता है 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। और इस वर्ष का जो विषय है 2023 का, यह है स्कूल टू स्टार्टअप्स, इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेशन। यह विषय है 2023 का। अगला, हाल ही में एंटोनियो कारवाजल का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित है? तो सही उत्तर है वह फुटबॉल से संबंधित है और वह मैक्सिको जो कंट्री है यहाँ से यह बिलोंग करते हैं। इनका नाम है एंटोनियो कारवाजल। आइए कुछ पॉइंट जान लेते हैं हम लोग एंटोनियो कारवाजल के बारे में, जो कि मैक्सिकन फुटबॉलर थे। तो यह 5 बार विश्व कप में भाग लेने वाले यह पहले मैक्सिकन खिलाड़ी थे और 1958 में जो क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी मैक्सिको टीम, इसके यह सदस्य भी रह चुके हैं। इसके बाद यह 1988 से लेकर 1994 तक मैक्सिकन फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके बाद मैक्सिकन फुटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए थे 1998 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी आईसीसी की वैश्विक प्रायोजक बन गई है? तो सही उत्तर इसका है मास्टर कार्ड जो है वह अभी वर्तमान में भारत पे के स्थान पर आईसीसी की वैश्विक प्रायोजक बन गई है। इसके पहले जो वैश्विक प्रायोजक थी आईसीसी के, वह उसका नाम था भारत पे कंपनी। अभी वर्तमान में मास्टर कार्ड जो कंपनी है वह आईसीसी की वैश्विक प्रायोजक कंपनी बन गई है। अगला है, पुस्तक का नाम है द इंडियन मेट्रोपोलिस डिसकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस, यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर है फिरोज वरुण गांधी के द्वारा लिखी गई है पुस्तक द इंडियन मेट्रोपोलिस। तो सही उत्तर इसका है फिरोज वरुण गांधी। अगला है 35वां इंडो थाई समन्वित गश्ती अभ्यास किसके बीच आयोजित किया गया? तो सही उत्तर इसका है भारत और थाईलैंड के बीच 35वां इंडो थाई समन्वित गश्ती है अभ्यास है इसका आयोजन किया गया है भारत और थाईलैंड के बीच में। तो यह कुछ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था 12 मई 2023 का। तो आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।